हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि बहुत सारी शादियां आने वाली है इस मंथ में, तो मैं भी जाने वाली हूं। तो ये आज एक शादी का ही रिचुअल था, जिनकी शादी है 28 डेट को, उसका पहले एक रिचुअल था यहां पे भात नोतने वाला। तो हम उसी के लिए तैयार होके उनके घर जा रहे हैं, उनको पिक करेंगे। उसके बाद उनके मामा जी के घर पे जाना है, जहाँ पे फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो आप देखिए कि भात का फंक्शन गांव स्टाइल में या मतलब देसी स्टाइल में आप कह सकते हैं कि उस तरह से किस तरह से उन्होंने किया। और हम भी उसमें गए थे वहाँ पे इंजॉय करने के लिए, हमें भी इनवाइट किया गया था, तो हमने भी उनके साथ बहुत इंजॉय किया था। तो आप भी देखिए इस वीडियो में कि हमने वहाँ पे जाके क्या क्या किया और कैसे कैसे वहाँ पे फंक्शन हुआ। तो इस वीडियो को गाइज कंटिन्यू करते रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज एंड कंटिन्यू दिस वीडियो। गाइज जिनका फंक्शन था, हम उनके घर पे पहुंच चुके थे, बस उनके घर से निकल रहे थे मामा जी के घर तक जाने के लिए। उन्होंने कुछ ट्रैवलर बुक की हुई थी और कुछ गाड़ियां जाने वाली थी। तो ये सभी उनके आसपास की लेडीज़ हैं और रिलेटिव्स हैं जिन्होंने उनके साथ जाना था। तो हम सब भी उनके साथ ही जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। हेलो तूने किया था? ऋषिका दीदी, क्या हाल चाल आपके? कैसा लग रहा है आपको? आपके यहाँ शादी है आज, हम आपके लिए आपके मामा जी के घर जा रहे हैं। ओ माय, सबकी फोटोज तो क्लिक होनी थी ना, तो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है थोड़ा जाने से पहले उनके घर के बाहर। और ये ट्रैवलर में उनके कुछ जो रिलेटिव से वो बैठ के गए थे, हम लोग अपनी बाय कार गए थे, और अब यहाँ पे हम जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। एंड जाने से पहले ना, हम क्योंकि हम सुबह 6 बजे के उठे हुए थे, ये सुबह सुबह का फंक्शन था, ये 8-9 बजे का टाइम है, हाँ तो हाँ हमें बिल्कुल। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो हमने कहा कि हम तो जाने से पहले कुछ ना कुछ खाएंगे। तो सुबह के सुबह कुछ खुला हुआ तो नहीं था, बस ये छोटी मोटी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ पे हम गए, छोले भटूरे, जूस पिया और ब्रेड पकौड़ा, मतलब सब कुछ चीज़ें हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया, क्योंकि हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे हुए थे। बट आगे तमीज में है, बढ़िया आ रहे हो आप। आगे तमीज में तो हुई अच्छी, शादी में रहते थे टिश्यू ना। हां, यहाँ पे हमारे साथ है दुल्हन। दुल्हन अपनी शक्ल दिखाइए। ये भैया तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ना पता नहीं क्या छिपा रहे हमसे। और ये दीदी जूस पी रही है। एंड गाइस, अब हम पहुंच चुके थे उनके मामा जी के गांव में। यहाँ पर मंदिर था पास में ही, उनके घर के पास, वहीं पर ही हम सब एक साथ मिले थे, ताकि वहाँ पे जो भी उनके रिलेटिव्स थे वो वहीं पर आ गए थे और ढोल के साथ हमें अपने घर तक लेके गए थे। और हमने ढोल पे बहुत ही ज़्यादा जम के डांस किया था। एंड गाइज, ये घर के साइड में ही उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ था, एक पंडाल बनाया हुआ था, जहाँ पे खाने का डीजे का अरेंजमेंट हुआ हुआ था, जहाँ पे हमने बहुत सारा डांस करना था। तो ये वो सारी डेकोरेशन है।
और उसके बाद यहाँ पे तो हम आके 5-10 मिनट के लिए बैठ गए थे, उसके बाद हम घर में चले गए थे क्योंकि हमें देखने थे गांव के घर कैसे होते हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ी सी वीडियो में दिखा रही हूँ, ये गांव का घर है उनका, उनके मामा जी का, और ये यहाँ पे उनकी बैठक है जो पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में बनाई जाती थी सबके आना, जो भी आने जाने वाले लोग होते थे उनके लिए। ये शोकेज होता था, मुझे भी याद है, मेरे घर में भी पहले टाइम में होता था ये, और ये फ्लावर पॉट्स वगैरह से डेकोरेट किया हुआ था, होता था बड़े लोगों ने। तो यहाँ पे बैठ के हम इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आगे के फंक्शन। पानी कम कर दो, पानी कम कर दो, पानी कम कर दो। गिर गया। ऐसी किसी की भी नहीं खड़ी हो रही है। ओए मन की भैया मीडिया भैया जीत गए। ओए शिट, एक और बार देखते हैं। अरे यार पता है मेरे को ना एक आ गई।
स्टार्ट हुआ था तब से ही दीदी कह रहे थे कि इसमें है ना कि अब तेरा यहाँ कोई नहीं। दीदी कहती नहीं यही मेरा घर है, मैं तो यहीं पे ही रहूँगी और ये मेरा घर ही रहेगा, तो ये गाना सुटेबल नहीं है, दूसरा सॉन्ग लगा, दूसरा सॉन्ग लगा। तो ऐसी मस्ती मजाक चल रहा था, तो थोड़ा सा ये सब चल रहा था। बाकी फिर उनके अकॉर्डिंग उनकी मर्जी का सॉन्ग लगा दिया था, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पे, फुल सॉन्ग पे डांस करके दिखाया था। आगे आप भी देखते रहिए क्या क्या हुआ था, कैसा डांस किया था उन्होंने। बहुत सारा डांस करके तो हम सब ने उसके बाद करवाया फ़ोटो सेशन, और फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आई थी। हम बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई, बहुत ही इन्जॉय किया, एंड फ़ोटोज़ तो मेमोरीज हैं, वो तो हमें क्लिक करनी ही थी। तो इन्जॉय करते हुए हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, फिर हमने लंच किया, और लंच करने के बाद जो थोड़ी बहुत रस्म होनी थी मामा जी और बहन की अपनी जो भात नोतने वाली वो हुई, और सामने इधर सामने ये बात की बात है, पहले काम हो जान दो। एंड गाइस यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं गद्दों के ऊपर चढ़ चढ़ के, हम भी खेलते थे ऐसे पहाड़ सा बना के जंपिंग वाला गेम खेल रहे हैं, और हम इस टाइम छत पे खड़े हैं और देखिए कितना सुंदर बादल लग रहे हैं, और हम छत पे यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि हम नीचे थोड़ा बोर हो रहे थे, तो हमने कहा देख के आते हैं ऊपर से घर कैसा है। तो इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे खाट वहाँ पे पड़ी थी, मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे लेट गए थे और फिर सब यहाँ पे थोड़ा थक सा गए थे, और यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कर ली थी चंगी की, और उसके बाद हमने फ़ोटो क्लिक कर वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज।